हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू शेड और मैं आपका संकल्प सर। प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ वाले बच्चों, कल है आपका साइंस का बोर्ड एग्जामिनेशन और फील कर रहे होंगे बहुत सारी टेंशन, बट मैं यही बोलूंगा टेंशन नहीं लेने का, एफर्ट्स करने का, मेहनत करने का, प्रॉब्लम से निकलने का और लाइफ में सक्सेसफुल होने का। प्यारे बच्चों, आपने केमिस्ट्री बायो की वीडियोस देखी होंगी, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे उसमें, हमने कोशिश की है कि आज की वीडियो में उन टेक्निकल ग्लिचेस को खत्म करें और मैं कुछ अमेजिंग सा कंटेंट आपको दूं जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फुल स्कोर कर पाओ आप और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आए जिसको देखने के बाद। और वीडियोस को मैं छोटे से छोटा रखना चाहूंगा ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो और वीडियो को तुम 2x स्पीड में भी देख सकते हो ताकि तुम कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिविटी ले पाओ। तो प्यारे बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पूरी क्लास टेंथ में जो चार चैप्टर है फिजिक्स के, जो कि हमारा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, उसके बेसिस पे मैंने कुछ 15 पॉइंट्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं जिसपे बेस्ड पूरा का पूरा पेपर जिन 15 पॉइंट्स पे ही होने वाला है। आई बेट इट कि अपने अनुभव से मैं आपसे ये साझा कर सकता हूँ कि कल का पूरा पेपर इन 15 पॉइंट्स में ही होगा। और ये 15 पॉइंट्स, हालांकि कोई जादू मैजिकल नहीं हूं मैं, इन 15 पॉइंट्स में मैंने पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर किया है। तो प्यारे बच्चों, मैं क्विक रिव्यू दूंगा आपको 15 पॉइंट्स का, एक बार पूरा रिवीजन करूंगा तो ये आपकी फाइनल चेक लिस्ट है, ये चेक करने के लिए कि कोई टॉपिक आपसे छूटा तो नहीं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम 15 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं और सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि डू नॉट मिस इट। ये जो 15 वाले पॉइंट्स बताने जा रहा हूं मैं, इसको मिस मत करियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। ढेर सारे भैया सवाल आए इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर पे, तो जल्दी से पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दो तरह के मिरर होते हैं। ये देखो, ये क्या होता है, कौन सा मिरर है ये, जल्दी से बोलो। कॉनकेव, क्योंकि केव के मतलब गुफा, अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉनकेव है। अरे जल्दी से बोल दे भाई, ये कौन सा मिरर है ब्रो, ये है कॉनवेक्स। कौन सा है, कॉनवेक्स। अब इस मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पोल, फोकस, उसको जल्दी से चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या ये वाला पॉइंट क्या बोलते हैं, पोल, क्या बोलते हैं, पोल। अरे बोल क्या, पोल, ठीक है। और ये मुझे बताओ, क्या ये एक सर्किल का पार्ट है, क्या ये लेंस को एक स्फीयर से काट के बनाया गया होगा, तो इसका कहीं ना कहीं एक सीओसी भी होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है हमारा सबसे प्यारा पॉइंट, और उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये फोकस हो गया। सर वही चीज अगर कॉन्वेक्स मिरर में बात करें तो पोल तो दिख रहा है, अरे बोल, पोल। ये इसका सर्किल किधर बनेगा, इसका सर्किल इधर बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा तो फोकस इधर बनेगा। बोलो, समझ में आती है बात, कुछ इस पे बेस ये तुमको कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन ध्यान रखना। और इमेज फॉर्मेशन से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों डरते हैं, बट बहुत इजीली तुम बना सकते हो। इसको ध्यान से सुनना गाइस, कि ये अपने पास, सपोज करो एक मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया, मैंने लेंस बोल दिया गलती से तो उसके लिए सॉरी, मिरर की बात कर रहे हैं हम। हमने कॉन्केव मिरर लिया और कॉन्केव मिरर में प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, ये है फोकस हमारा, दिस इज द फोकस। और मैं कॉमन सेंस में बात करने जा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे समझना, ठीक है। मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फार। ऑप्टिक्स कहती है फार वार मत बोलो भैया, दूर वूर नहीं होता, हम दूर को इन्फिनिटी मानते हैं। तो ऑब्जेक्ट ने क्या बोला, ऑब्जेक्ट दूर पे, तो जब ऑब्जेक्ट दूर पे है प्यारे बच्चों, तो इमेज कैसे बनेगी, बिल्कुल फील करना, तुम्हें दिखाऊंगा, मैं इमेज बनता दिखाऊंगा, ध्यान से समझो। देखो जब फार से रे आएगी तो ऐसे आएगी, ठीक है, जब फार से रे आएगी तो ऐसे आएगी, और ये कहां पे कन्वर्ज होगी, जब इन्फिनिटी से रे आती है तो कहां पे कन्वर्ज हो जाती है, फोकस। तो अगर पहला केस, अगर यू की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी है तो बी की वैल्यू एफ, अगर U की वैल्यू इंफिनिटी है तो V की वैल्यू F है। अब फील करना भाई, दिखेगा जादू दिखेगा। ऑब्जेक्ट चलते चलते आया COC पर, ऑब्जेक्ट COC पे आ गया। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट COC पे होता है तो इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बनी, फोकस पे। और जब ऑब्जेक्ट COC पे है, जब ऑब्जेक्ट COC पे आया तो इमेज भी कहां बना लाया, ढिंका लाइट रिट्रेस हो गई अपने पाथ को, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो हमेशा 90 डिग्री पे फॉल होगी, तो लाइट रिट्रेस कर देगी। कोई तुमसे पूछा ऐसा क्यों होता है तो बता देना, क्योंकि मिरर पे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है गाइस, तो लाइट रेज मिरर पे 90 डिग्री पे पड़ती है, 90 डिग्री पे लाइट को अपने पाथ को क्या कर जाएगी, रिट्रेस। तो यहां से क्या समझ में आया, यू की वैल्यू अगर COC है तो इमेज भी क्या है, मजा ही मजा ही। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा और पास पहुंचा,
डिंक चिका पास पहुंचा पास। ये देखो ऑब्जेक्ट और पास पहुंचा। जब ऑब्जेक्ट और पास पहुंचेगा, अब ऑब्जेक्ट तो पास आ रहा है लेकिन इमेज तुम देखो दूर जा रही है, पहले इमेज यहां थी अब इमेज यहां पहुंच गई, तो ऑब्जेक्ट पास जा रहा है और इमेज दूर जा रही है तो इमेज जाएगी इधर। तो ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा सीओसी और फोकस के बीच में आएगा, ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज क्या होगी, सीओसी को क्रॉस कर चुकी होगी, क्रॉस सीओसी। अरे बड़ा सिंपल सी बात है, मतलब ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज दूर जा रही है, टिंगा चिक्का इमेज दूर, समझ में आया। तो अगर मैंने बोला ऑब्जेक्ट पास जा रहा है तो इमेज दूर जा रही है, और एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पर, ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पर और इमेज कहां बनने लगी दोस्त, इंफिनिटी, टिंगा चिक्का टिंगा चिक्का टिंगा चिक्का। लेकिन एक बात समझने वाली है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आया ना तो इमेज इंफिनिटी में बनने लगी, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करेगा ब्रो, यहां पे बस बच्चे मिस कर जाते हैं, ऑब्जेक्ट ने फोकस को भी क्रॉस कर दिया, मिरर के और पास आ गया, अब खेला हुआ। इमेज जैसे ही ऑब्जेक्ट ने फोकस को क्रॉस किया वैसे ही इमेज उस तरफ बन गई, ऑब्जेक्ट क्रॉस फोकस, इमेज दूसरी साइड पे बन गई, ऑपोजिट साइड पे इमेज बनी। और मुझे जल्दी से बताओ, अगर इमेज ऑपोजिट साइड पे बनेगी तो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? सर लाइट तो पूरी की पूरी लाइट तो इधर जाके इधर वापस आ जा रही है, तो क्या होगा कि लाइट जब इधर जाके पड़ के वापस आ गई तो इधर तो कोई लाइट गई नहीं, तो इधर कोई लाइट नहीं गई, तो यहां पे इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी, वर्चुअल। गाइज इस ट्रिक से तुम बहुत सारी चीजों, बहुत सारे क्वेश्चन को ठिकाने लग सकते हो, चाहे मिरर कोई भी हो तुम्हारा, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, कैसा भी हो, तुम इससे बहुत इजिली से कॉमन सेंस से क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ऑब्जेक्ट को पहले इंफिनिटी पे रख लिया करो और मिरर के पास लाया करो, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगा। तुम्हारे मन में एक सवाल ये भी आ सकता है, गाइस मान लो कोई ऐसा केस आया था जो तुमने कभी सुना ही ना हो, जो किसी टीचर ने डिस्कस ही ना किया, तो तुम्हें मिरर फॉर्मूला पता है, दैट इज 1/v + 1/u = 1/u। तो ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू, एक मिरर अज्यूम कर लो, ठीक है, एक मिरर अपने मन से अज्यूम कर लो, जिसकी एक फोकल लेंथ अपने मन से अज्यूम कर लो, और यू की वैल्यू अपने मन से रखो, तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, भी जब पता चल जाएगा तुम्हें इजीली क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि इमेज कहाँ बन गई। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट से तुम बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हो। एनसीईआरटी पे इस पे भी चार्ट भी दे रखा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का और लेंसेस का, तो वो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिकमेंड करूंगा गाइस उनको प्लीज एक बार जरूर देखें, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला पॉइंट है मिरर फॉर्मूला, जैसा भी मैंने बताया मिरर फॉर्मूला भाई समझ लो कि जान है, जान है। मिरर फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, उसके लिए एक सिंपल सी अप्रोच है, बिल्कुल भी घबराने का नहीं। ये देखो ये अपने पास मिरर, ठीक है, और सपोज करो ये इसका है फोकस, ठीक है, ये इसका फोकस है, तो फोकस इधर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं इधर, ठीक है। अब सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है ना ब्रो, जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ऑब्जेक्ट की दूरी को हम पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और मान लो इसकी इमेज बन रही है कहीं यहां, ठीक है। अच्छा सर इमेज तो इधर बनी नहीं सकती, लेकिन मान लेते हैं बन रही है, और इस दूरी को हम बोलते हैं बी से, ठीक है, हमें कंडीशन पढ़ लें, मिरर फॉर्मूला बता रहा हूं तुम्हें। अब लाइट, अगर लाइट ऑब्जेक्ट से चलेगी तो अगर लाइट इधर जा रही है तो इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं, पोल को ओरिजिन मानते हैं, गाइस 0.0 हमेशा ध्यान रखना, पोल को ओरिजिन मान लेंगे, जिधर को लाइट जाएगी, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा कल, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मिस करेंगे, तो गाइस जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा प्लीज मिस नहीं करना, जिधर को लाइट जा रही है दैट डायरेक्शन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो अब यहां पे v और u में रिलेशन के लिए मिरर फॉर्मूला था, दैट इज 1/v + 1/u = 1/f, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, दिस इज मिरर्स फॉर्मूला, और तुम्हें पता है कि फोकल लेंथ जो होता है r/2। हर चीज को साइन के साथ रखना है। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इधर है तो u की वैल्यू नेगेटिव रखनी है, अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब तुम्हारी इमेज इधर बन रही है, इधर बनने का मतलब लाइट इधर है, मतलब रियल इमेज बनेगी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि तुम्हें मिस नहीं करना है गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ये भी आ जाता है कि सपोज करो गाइस कि ये अपने पास
मिरर है और इस मिरर पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ठीक है, जो कि यू दूरी पे था। और मान लो एक इमेज बनी कहीं इधर ए डैश बी डैश, और जो इमेज बनी वो बी दूरी पे बनी, जो इमेज बनी वो बी दूरी पे बनी, तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दिस इज द मैग्निफिकेशन गाइस। किसी भी मिरर का मैग्निफिकेशन ये होता है, और मैग्निफिकेशन को मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी मैग्निफिकेशन को मैं बी यू के टर्म्स में लिख सकता हूं माइनस बी बाई यू। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बार बार कह रहा हूं ऑप्टिक्स में जहां पे भी तुम्हें करना है चीजों को साइन के साथ रखना है, तो m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू है तो तुम्हें v और u को साइन के साथ रखना होगा, मिस नहीं करना। और m को मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं हाइट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो यहां से तुम पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तुम्हें v दे रखा है, u दे रखा है, ho दे रखा है, hi पूछ सकता है तुमसे। और हमेशा याद रखना अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस है, अगर मान लो किसी मैंने बोला कि एक मिरर है जिसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू दो है, दो है मतलब प्लस दो, प्लस दो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो दो गुना साइज की बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। अगर m की वैल्यू माइनस टू है, माइनस टू इसका क्या मतलब हुआ, इमेज दो गुना बढ़ेगी बनेगी तो, बट इन्वर्टेड बनेगी, तुम सीधे खड़े हो तुम्हारी मुंडी नीचे हो जाएगी, तो ये क्या टेढ़ा कैसे हो गया, समझ रहे हो। तो m की वैल्यू नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज, m की वैल्यू पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो गाइज ये है मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। चलो तो आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रेक्शन। गाइस रिफ्रेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तुम्हें पता होगा। रिफ्रेक्शन होता क्या है, इट्स क्वाइट सिंपल कि यार सपोज करो ये अपने पास दो मीडियम, ठीक है, मीडियम की जो पहचान होती है वो होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। हर एक मीडियम का पहचान होता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, हर एक मीडियम की शान होता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें बताता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले रिफ्रेक्शन को जानते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक इंटरफेस है और इंटरफेस से एक लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, लाइट रे ऐसे आ रही है। अगर लाइट रे इंटरफेस से आ रही है तो क्या होगा, जनरली क्या होगा, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती मान लेते हैं इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू। तो जब लाइट एक पाथ से, रिफ्रेक्शन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज रिफ्रेक्शन, और दिस एंगल इज कॉल्ड एज आई, दिस एंगल इज कॉल्ड एज आर, और प्यारे बच्चों दिस एंगल दिस लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल रहना, परेशान नहीं होना, टेंशन लेना नहीं, एग्जाम अच्छा होगा, आशीर्वाद है हमारा, ठीक है। अब अगर मैं रिलेट करूं तो कैसा होगा, म्यू वन एक लॉ था जो कि कभी नहीं भूलना, ट्रिक सुनना ध्यान से भाई, ट्रिक है कि एक लॉ था, बाबा लॉ लिखूंगा फिर बताना पहचानना कौन सा लॉ है ये, कि इधर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंटू इधर का एंगल का साइन, मतलब म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर। वाह क्या लॉ है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। मुस्कुरा रहे हो मतलब बता रहे हो कि तुम्हें समझ में आ गया, और ये लॉ कहलाता है स्नेल्स लॉ, मिस नहीं करना ब्रो, दिस लॉ इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर मैं पूछूं कि स्नेल्स लॉ क्या करता है, तो स्नेल्स लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन को रिलेट करता है, जिससे तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई अब एक और बात आती है, क्या वो बात क्या है, वो बात ये है कि सर ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आओ बताते हैं, घबराना नहीं, जीना जीना जीना। ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से ये लाइट रे आ रही है, ये एक मीडियम है, इसके म्यू की वैल्यू टू है, ठीक है, इसके म्यू की वैल्यू टू है, क्या म्यू की वैल्यू टू, ठीक है तो है, म्यू की वैल्यू टू है और यहां से लाइट आ रही है, और लाइट की स्पीड है थ्री इंटू, हमें पता है कि लाइट की स्पीड होती है तीन गुणे दस की घात आठ, दैट इज थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड। थोड़ा हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए, मैंने भी सीखा धीरे धीरे, थ्री की वैल्यू थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड। जब ये लाइट इस मीडियम में एंटर करेगी
जब ये लाइट इस मीडियम में एंटर करेगी धिन ताना ना 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 ना, तो क्या इसकी स्पीड वही रहेगी जो इसकी स्पीड पहले थी? सवाल ये है, तो आंसर है ना ना ना। स्पीड चेंज हो जाती है जब भी लाइट एक मीडियम में दूसरे मीडियम में जाती है, तो स्पीड चेंज हो जाती है। क्या सेम रहता है? फ्रीक्वेंसी हो सकता है कल के सब पेपर में मिले, तो स्पीड सेम होती है, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होगा प्यारे बच्चों p by 2। ये क्या p by 2, what do you mean? मतलब अगर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इसका मतलब लाइट की स्पीड 2 गुना कम हो जाएगी। अगर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मतलब लाइट की स्पीड 2 गुना कम हो जाएगी। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4 होता, मतलब 4 गुना कम हो जाएगी। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 5 होता, तो 5 गुना कम हो जाएगी। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कितना गुना किसी मीडियम की लाइट कम होगी। अगर मैं म्यू अगर होता है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स प्यारे बच्चों, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती, v बराबर c बाय म्यू, और म्यू बराबर हो जाता c by v। इसको मैं लिख देता स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? म्यू को मैं लिख देता स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया। बोलो हाँ या ना? ऐसा सवाल तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर म्यू की वैल्यू 3 by 2 है, मतलब जल्दी से वहां पे स्पीड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो जो एयर में थी अपॉन 3 by 2। कितना सिंपल है। तो गाइस दिस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रेक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जल्दी से ब्रशअप मारते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ये लो भैया अगला टॉपिक आ गया, जल्दी जल्दी गाइस। आई होप तुम लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। ये मैं ब्रशअप कर रहा हूँ, एक बार इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे, देखना बम्पर रिविजन होगा तुम्हारा। लेंस फॉर्मूला एंड इमेज फॉर्मेशन, इसमें भी फिर वही आ गया, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस होता है, पता होगा तुम्हें, लेंस के साथ अच्छी बात है कि इसके दो फोकस होते हैं, एक इधर भी होता है, एक इधर भी होता है, क्योंकि इसकी दो कर्व सरफेस होती है। ठीक है, फिर लेंस के केस में एक चीज याद रखना, इमेज फॉर्मेशन क्या होगी कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा, यहां पर भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। वैसे ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पे है प्यारे बच्चों, तो इमेज फिर से इंफिनिटी में बन जाएगी, इधर इंफिनिटी, मतलब सारा खेल इन्हीं के बीच में होना है। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें तुम्हें याद रखनी है। अगर बस मैंने बार बार बोला है कि एनसीईआरटी में जो इसके डायग्राम दे रखे हैं, इसका जो पूरा चार्ट दे रखा है, प्लीज उसको अच्छे समझ लेना, और सिर्फ रटना नहीं उसको, उसको एक बार पेन से बना लेना, तुम डेफिनेटली समझ जाओगे। उसको याद करने का ट्रिक क्या है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाना शुरू करना और देखना कि इमेज कैसे कैसे वेरी कर रही है। यू विल एबल टू टैकल ईच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, इसमें इमेज लेंस फॉर्मूले में भी तुम्हें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई भी लेंस, इसमें तुम जिधर लाइट जा रही है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे और जिधर से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें फोकल लेंथ तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर कोई भी लेंस कन्वर्जिंग होता है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसीडर करोगे, और कोई भी लेंस अगर डाइवर्जिंग होता है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव कंसीडर करोगे। तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और, अगर मैं बात करूं मिरर लेंस फॉर्मूले की, तो अगर सपोज करो ये लेंस है हमारे पास, तो इसकी एक फोकल लेंथ एफ है, और मान लो मैंने बोला एफ लेंथ एफ पॉजिटिव है, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत इस चीज को समझ जाएगा कि इफ द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इट मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जिंग लेंस। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मैं कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर मैंने तुमसे बोला कि ये ऑब्जेक्ट है और इसकी ये इमेज बनी है, और कुछ ऐसा डायग्राम मान लो मैंने बना दिया, ठीक है, तो ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं यू और इसको बोलते हैं वी, जैसे उसमें होता था। अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो लाइट इधर जा रही है तो ये वाली साइड को पॉजिटिव, इस वाली साइड को नेगेटिव। और मिरर फॉर्मूले का बस थोड़ा सा खेल, मिरर फॉर्मूला तुम्हें याद था 1/v + 1/u = 1/f, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, अब जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं ना जी, वो ये करते हैं कि f = r/2। ये याद रखना, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ मिरर के केस में होता है, लेंस के केस में नहीं होता। f की वैल्यू r/2 मिरर के केस में होती है, लेंस के केस में नहीं होती है, तो इसको मिस मत करना। ठीक है, और इसमें भी मैग्निफिकेशन आएगा, जैसे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वैसा ही, बट उसमें वहां प्लस था 1/v + 1/u = 1/f, तो मैग्निफिकेशन में माइनस आ गया था, यहां माइनस, और मैग्निफिकेशन में प्लस आ जाएगा,
प्लस वी बाई यू। क्या सर वी बाई यू को सब वी और यू सबको साइन के साथ लेना है? तो आंसर है हाँ, हमें वी बाई यू को हर चीज को साइन के साथ लेना है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब भी कोई फॉर्मूला यूज करोगे तो हमेशा वी बाई वी यू सब चीजों को, फोकल लेंथ इवन, हर चीज को साइन के साथ ही कंसिडर करोगे। ठीक है, तो गाइस दिस इज लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद एक आता है कॉन्सेप्ट पावर ऑफ लेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। किसी भी लेंस का पावर का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ पावर ऑफ लेंस? किसी भी लेंस का पावर का मतलब होता है उस लेंस के अंदर डेविएशन करने की क्षमता, उस लेंस के अंदर डेविएशन करने की क्षमता। मान लो मैंने तुमसे बोला कि हमारे पास दो लेंस है, ठीक है, सपोज आई एम हैविंग विद द टू लेंस, और मैंने एक लेंस को बोला ए और एक लेंस को बोला बी, ठीक है, और इस लेंस को मैंने बोला ये ऐसे इस पर आ रही है, और इस पर भी मैंने एक इंसिडेंट इंफिनिटी से रे रिफ्लेक्ट कराई, इसने इस रे को ऐसे दबा दिया, कन्वर्ज करा दिया, और इसने इसको यहां दबा पाया। तो बताओ कॉमन सेंस से बताओ किसके अंदर कन्वर्जिंग पावर ज्यादा दिख रही है, किसके अंदर डेविएशन की कैपेबिलिटी ज्यादा है, लेंस ए के अंदर लेंस बी के अंदर? तो लेंस ए के अंदर दिख रहा है, तो मैं भी बोल सकता हूँ कि पावर ऑफ लेंस ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लेंस बी। और प्रैक्टिकली इसको 12th लेवल में तुम लोग बहुत डीप लेवल पे पढ़ोगे। अभी फॉर अ मीनवाइल तुम एक चीज देख सकते हो कि पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है। फोकल लेंथ को अगर मीटर में रखना है हमेशा, तो पावर की जो यूनिट आएगी वो आएगी डायोप्टर। इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसको मिस नहीं करना गाइस। p = p = 1/f, ठीक है, इसी पे डायरेक्ट सवाल आएंगे। फोकल लेंथ समटाइम्स तो मैं सेंटीमीटर में दे रखा हुआ कंफ्यूजन के लिए, बट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, फोकल को हमेशा मीटर में रखना है, फोकस को, फोकल लेंथ को, और पावर हमेशा तुम्हें डायरेक्टर में मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा अगला पॉइंट। लो भाई, फिर आ गया ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आंखें नैना, तो भाई अब देखो यार, ये कोर थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोर थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो मैं बार बार तुमसे बोलूंगा गाइस, ये ऐसा टॉपिक है जो कि तुम्हें एनसीईआरटी या अपने नोट्स से, जो आपके क्लास टीचर्स ने आपको नोट्स दिए होंगे, या एनसीईआरटी में प्रेफर करूंगा कि एनसीईआरटी इसको प्लीज एक बार सही से रट्टा मार लेना, एक बार आई का डायग्राम देख लेना, आई वो क्या होता है, कॉर्निया रेटिना गोल वाली आई वाला डायग्राम, उसको अच्छे से देख लेना। उसमें एक चीज देख लेना कि मायोपिया हाइपर मायोपिया कौन सा अंधा, पास वाला अंधा, दूर वाला अंधा, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सवाल आने की प्रोबेबिलिटी और विद रे डायग्राम तुमसे पूछा जा सकता है। तुमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज हाइपर मायोपिया एंड गिव द प्रॉपर एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ आई। तो डायग्राम तुम्हें पेंसिल से बनाना है और लेबल डायग्राम, सिर्फ डायग्राम बना के नहीं आर्ट की तरह, उसमें कौन सी चीज क्या होती है उस चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। फिर इसमें एक चीज है प्रिज्म, जो फंडामेंटल चीज है जिसको मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। प्रिज्म की बात करूँगा इसको, प्रिज्म एक ऐसा 3D फिगर होता है, बुक्स में ऐसा बना होता है, लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं होता, ये रियल में ऐसा होता है, तुम्हें एक साइड दिख रही है, दिस इज एग्जैक्टली प्रिज्म। ये 3D फिगर होता है प्रिज्म का, लेकिन हम जनरली, मैं खुद जनरली ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम प्रिज्म को सामने से देख रहे हैं, हम ये मानते हैं कि प्रिज्म को हम सामने से देख रहे हैं, और ये जो एंगल होता है, This angle is called as angle of prism. ठीक है, इस angle को बोलते हैं angle of prism. Angle of prism के बारे में बात करें guys, तो simple सी चीज़ है, जितना ज़्यादा angle, apex angle भी कहते हैं, इसको angle of cap भी कहते हैं, और भी कुछ छोटी छोटी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए prism के बारे में। जैसे कि suppose करो ये अपने पास prism, ठीक है, this is A. ये रे आई, प्रिज्म हमेशा क्या करता है, रे को अपने बेस की तरफ बेंड करता है। प्रिज्म क्या करता है, रेस को हमेशा अपने बेस की तरफ बेंड करता है। तो ऐसे सबसे पहला रिफ्लेक्शन यहां से होगा, टिका 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 लोरी बेस करा दो दो पोरी, ये देखो यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन है। अब इस एंगल को मैंने बोला आई, इसको बोला आर, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ तो इसको आर डैश बोला, और दिस ई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस प्यारे बच्चों, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग एंगल, This is second reflecting angle. और अगर प्रिज्म नहीं होता, अगर प्रिज्म नहीं होता तो क्या कहते हो, क्या होता, तब लाइट रे क्या होती, डेविएट हो जाती। अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे क्या हो जाती, डेविएट हो जाती। तो इसमें प्रिज्म तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें ध्यान, पहला एक रिलेशन दैट इज ए प्लस, इस पर बेस सवाल आएंगे और इसका डेरिवेशन भी आ सकता है प्यारे बच्चों, तो एक बार इसका डेरिवेशन भी देख लेना, ये मैं रिकमेंड करूंगा, मैं यहां स्टार बना देता हूं, इसका डेरिवेशन भी देख लेना। a plus delta is equals to i plus e, पहला रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिलेशन प्रिज्म में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है r plus
आर डैश इस एंगल और इस एंगल को जब जोड़ोगे, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ोगे तो हमेशा ए की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी और बड़ा मजा आएगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जैसे कि मैथमेटिक्स में जब कुछ ना समझ में आए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, मैकेनिक्स में जब कुछ ना समझ में आए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, वैसे ही जब ऑप्टिक्स में कुछ ना समझ में आए तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, स्नेल्स। ठीक है, तो ये प्रिज्म की कुछ बातें महत्वपूर्ण बातें। इससे भी महत्वपूर्ण बात एक है जिस पे सवाल बहुत आते हैं प्रिज्म, वो है लाइट। प्रिज्म सबसे ज्यादा काम आता है कि ये व्हाइट लाइट आ रही है, ये प्रिज्म क्या करता है ना, बड़ा खिलाड़ी किस्म का है ये प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है ना ब्रो, इस व्हाइट लाइट को ना तबाही मचा देता है। एक दो तीन चार पांच छ सात, एक ग्रीन कलर में नहीं, सात अलग अलग कलरों में, टाइम कम था इसलिए सात कलर नहीं बनाया, सात अलग अलग कलरों में ये प्रिज्म क्या करता है ना, लाइट को बांट देता है, स्प्लिट कर देता है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्पर्जन इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म। जब भी कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो सात अलग अलग कलरों में बट जाती है और उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन की मैं बात करूं तो ये होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हीलिंग आई, पक्का बोलो मेरे भाई, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। अच्छा मुझे कॉमन सेंस से बता दे भैया, सबसे ज्यादा डेविएशन, ये सवाल पूछा गया था और फिर पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा डेविएशन किस रे में हुआ है? तो सबसे ज्यादा डेविएशन येलो में हुआ है, सबसे कम रेड में हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा येलो में हुआ है, वॉयलेट में हुआ है और सबसे कम रेड में हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इसको और में बताऊं तो अगर ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज डेल्टा येलो माइनस डेल्टा आर। ठीक है, मिस तो नहीं करोगे, ये जो वॉयलेट के इस तरफ का रीजन होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वॉयलेट रीजन, और ये जो रेड के इस तरफ का रीजन होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज इंफ्रा रेड रीजन। तो इसको मिस नहीं करना, एक अल्ट्रा वॉयलेट रीजन और एक इंफ्रा रेड रीजन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट थीटा। तो आई होप ये प्रिज्म का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिस्पर्जन क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा तुमसे पूछता है, तो रेनबो फॉर्मेशन प्लीज एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना, जो जो चीजें एनसीईआरटी से रीड करने वाली हूँ मैं तो आपको बता भी दे रहा हूँ, उसको मिस नहीं करना। देखो भाई अब आ गए हम लोग अपने थर्ड चैप्टर पे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तुम्हें पता होगा क्या होता है कि देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, पहला करंट और दूसरा वोल्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं बात करता हूँ कि करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। करंट होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर से पास हो। अगर एक वायर में 2 एम्पियर करंट है और एक वायर में 5 एम्पियर करंट है, इसका मतलब जो 5 एम्पियर करंट वाले में उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा भीड़ पास हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, रेदर देन 2 एम्पियर करंट। उस पर्टिकुलर वायर के अंदर से अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन मतलब 5 एम्पियर मतलब 5 कूलम एक सेकंड में चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि इस प्रेशर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है 220 है और एक पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, 220 वोल्ट जूम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इतना हाई प्रेशर से फ्लो हो रहा है, जैसे पानी का बहाव, जैसे मान लो एक पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, तो एक पाइप में पानी फ्लो हो रहा है तो अगर मैंने क्या किया कि नॉर्मल मैंने घर के टैप से पानी आ रहा है, टैप से पाइप को लगाया और गार्डनिंग करने लगा, तो ये है भाई पानी निकल रहा है, सही है, मैंने घर का मोटर ऑन कर दिया, उसने क्या किया, मोटर ने तुरंत पानी को तेजी से फेंका, तो मोटर ने क्या बनाया, पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, तो पानी तेजी से निकला। पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह का प्रेशर है जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये दो फंडेस तुम्हें क्लियर होने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, एक वायर है, एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का एरिया जो है वो ए है, इसकी लेंथ एल है, और हर एक कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, वो होता है रेजिस्टिविटी।
अरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो होता है रेजिस्टिविटी। ये रिसर्च करने के बाद साइंटिस्टों ने हमें बताया कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जब इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया गया, वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब प्रेशर, तो क्या होगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा और इसमें क्या शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाया गया कि जो करंट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। सिंपल सी बात है, ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। तो ये पाया गया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और हमें गुरु जी बताया करते थे बच्चों कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट लगाते हैं और उस कॉन्स्टेंट को बोलेंगे आई आर। I is equals to हो गया V by R। ये जो ये R आया है, this is the new thing, this is the resistance of the conductor, resistance of the conductor, ठीक है। और ये जो resistance of the conductor है बच्चों, इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं obstacle in the path of the current। और ये जो resistance है वो है rho L by A, where rho is the resistivity, L is the length and A is the area of protection। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी मिलने की संभावनाएं हैं। तुमको ऐसे दे सकता है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर को डबल कर दिया, एरिया को आधा कर दिया, बताओ क्या चेंज आएगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, तो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का बढ़ेगा अगर वो कंडक्टर। फिर एक चीज और है कि अगर इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अगर हम बी और आई के बीच अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ एक कंडक्टर, एक चीज पूछ लिया था कि बताओ एक कंडक्टर ओमिक है नॉन ओमिक, तुमसे पूछ लिया था एक कंडक्टर ओमिक है नॉन ओमिक, तो आंसर है कंडक्टर कोई भी कंडक्टर जिसका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। दुनिया का कोई भी कंडक्टर जिसका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है वो कंडक्टर ओमिक कहलाता है। कोई भी दुनिया का कंडक्टर जिसका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है वो कंडक्टर ओमिक कंडक्टर कहलाता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर तुमसे पूछा जाए सवाल कि बताओ व्हाट इज द, हाउ कैन बी जज दैट द कंडक्टर इज ओमिक कंडक्टर, तो आंसर विल बी विल प्लॉट द वी आई कर्व एंड एट इफ दैट वी आई कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन देन द कंडक्टर विल बी ओमिक इन नेचर। ठीक है, तो ये रहा ओम्स लॉ का बेसिक पॉइंट। अब देखो फिर आगे रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा, दैट इज आर इज इक्वल्स रो एल बाय ए। फिर उसमें आता है सिस्टम ऑफ कंडक्टर। दो तरह के कॉम्बिनेशन तुमने जनरली पढ़े होंगे और उस पर बेस बहुत सारे सवाल आते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्यारे बच्चों प्लीज इसको 2x में देखना, बहुत फायदेमंद वीडियो होगी तुम्हारे लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन तुम सबको पता है कि अगर मैंने बोला तुमसे एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे हम तो रेजिस्टेंस को सिंबलाइज करते हैं। और अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम एक दोनों की जगह हम चाहते हैं एक रेजिस्टेंस यूज कर लें तो क्या यूज करना पड़ेगा, दैट इज आर इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी R1+। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों रेजिस्टेंस में करंट जो होती है वो सेम होती है। ठीक, फिर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है R1 और एक ये रेजिस्टेंस है R2। और मैंने आपसे बोला कि मैं चाहता हूं कि इन दोनों की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं, तो उस R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, 1 R इक्विवेलेंट = 1 R1 + 1 R2 करके मैं R इक्विवेलेंट यहां पे निकाल सकता हूं। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, गाइस दिस इज मस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस नहीं करना। ठीक है, तो ये रहा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पावर बैलेंस का पावर नहीं है, पावर ऑफ सर्किट है। पावर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट। करंट ए नहीं फ्लो हो सकता, इलेक्ट्रॉन तो कहां फ्लो हो रहा है, लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, गर्मा गर्मी होगी। क्या होगी, बोलते हैं ना गर्मा गर्मी होगी, गर्मा गर्मी मतलब हीट, मतलब हीट। और हीट प्यारे बच्चों जब भी किसी कंडक्टर में, मान लो रेजिस्टेंस आर है, अगर मान लो ये कंडक्टर है और इसके अंदर रेजिस्टेंस आर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है टाइम टी तक, तो हीट तो प्रोड्यूस होनी ही है। और हीट की अगर मैं बात करूं तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू I² RT। हीट प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू I² RT, या फिर एक फॉर्मूला और तुम जानते हो गए, V² R × T, V² R × T। ठीक है, ये हो गया हीट प्रोड्यूस। अब पूछा जाता है पावर क्या होगा, तो अरे कमाल करते हो दोस्त, या पावर अगर निकालना है तो पावर बराबर होगा हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम और वर्क एक तरह की हीट है।
हीट एक तरह की वर्क है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी 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 खचाक, आंसर इज आई स्क्वायर आर, बोलो हाँ या ना। दिस इज पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर इज द पावर ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो आ गया रे, आ गया तू, आ गया मैग्नेटिक फील्ड। जब वायर में करंट फ्लो हुआ, जब वायर में करंट फ्लो हुआ तो उसके चारों तरफ कुछ अलग ही सा नजारा पाया गया। जब एक वायर में करंट फ्लो हुआ तो उसके चारों तरफ एक अलग सा नजारा पाया गया, और वह नजारा कुछ और नहीं मैग्नेटिक फील्ड थी, एक जादू ही शक्तियां बना रही थी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर, मान लेते हैं एक आई करंट फ्लो एक कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो ये देखा गया इसके चारों तरफ कुछ मायावी लाइंस थी, कुछ मायावी फील्ड्स थी, और उनको बोला गया मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए निकालो राइट हैंड, जिंदगी का अडिंग का चिक्का नाचने का समय आया, करंट को पकड़ा, करंट को वायर को पकड़ लो, ऐसे मत पकड़ लेना यार पागल है क्या, वायर को पकड़ लिया और घुमाया, अरे फिंगर्स किधर घूम रही, ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कैसे घूमेंगी, ऐसे ऐसे, अरे मजा आया, फिंगर्स घूमी ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी घूमी ऐसे ऐसे। और ये डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट ने जो पूजनीय योग है, और नाम है उसका रोस्टेड, ने ओरस्टेड, बहुत रोस्टेड याद आ रहा है ना, ओरस्टेड, उसका नाम क्या है, ओरस्टेड, उसका नाम नहीं उनका नाम ओरस्टेड है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर तुमसे कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस के वजह से बनती है या फिर करंट के वजह से बनती है, तो मैं एक सुनहरा लाइन जरूर लिखूंगा, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। ये रहा हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द सोलेनोइड, पता है ना सोलेनोइड क्या होता है, पता है सोलेनोइड क्या होता है, पता ही होगा। ये देखो एक कार्डबोर्ड शीट ली, ये लो एक लिया अपने कॉपी को ना, जैसे खाली जब क्लियर होते हो तो कॉपी को फोल्ड आउट कर लेते हो ना, ऐसा जाने दीजिए, कॉपी को फोल्ड कर लिया और उस पे क्या किया, वाइंडिंग कर दी, ना जी ना जी ना वाइंडिंग की ना प्यारी प्यारी वाइंडिंग कर दी, और इस वाइंडिंग को मैंने क्या किया, एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ये देखिए कुछ ऐसे, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होने लगा, करंट, वो भी गर्मा गर्म, गर्मा गर्म करंट है, प्यारा प्यारा करंट है। ओ, जैसे ही करंट प्रोड्यूस हुआ तुरंत ये सोलेनोइड मैग्नेट बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन सा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसके हर, याद रखना, कोई भी मैग्नेटिक लूप होती है दुनिया में, कोई भी करंट कैरिंग लूप होती है, कोई भी करंट कैरिंग लूप, बेटा अगर मान लो एक लूप है और लूप में मैं करंट दे रही हूं तो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस सोलेनोइड में क्या होगा, इस सोलेनोइड में दो पोल्स बन जाएंगे, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, ध्यान से रखना, ऐसे होता है आई थिंक, ये अगर करंट क्लॉकवाइज है तो जो पोल बनेगा वो साउथ पोल, ठीक है। ये डायग्राम मुझे टेंथ का होता है, हालांकि बच्चों में टेंथ थोड़ा सा कम पढ़ाता हूँ, जानते हो आप लोग, 11, 12 जेई नीट पे ज़्यादा लगा रहता हूँ, बट तुम लोग इसी तरह से ध्यान रखो कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। तो इधर से देखते हैं ऐसे, तो ऐसे देखेंगे तो करंट ऐसे घूम रही है, करंट ऐसे घूम रही है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। और हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ को जाती हैं, ये देखो ये मजा आ रही है, ये बनाते रहो, अब बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में ज्यादा मजा मत लेने लगना, चुपचाप अच्छे से प्यारे से डायग्राम बना गया, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सर क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना भाई, तो फोर्स लगता है, मतलब देखो ये क्रॉस 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 मतलब हमेशा याद रखना ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को जनरली बी से रिप्रेजेंट करते हैं,
कोई रीजन था जहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, और यहां पे मैंने क्या किया, एक कंडक्टर रख लिया, ठीक है, और इस कंडक्टर पे आई करंट फ्लो होने लगा। अब सवाल आया कि सर आप क्या कह रहे हो कि अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाई किसने, करंट, उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर तो लगेगा भाई, लगेगा फोर्स, लगेगा फोर्स, लगेगा, और फोर्स लगता किधर है ये ध्यान रखना, एल क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तुम्हारे बुक्स में दे रखा होगा कि और स्ट्रॉन्ग टर्म सुनो, अपने राइट हैंड निकालो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड को रख लो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर अपनी फिंगर्स को घुमा दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फिंगर्स को घुमाया, थंब किधर आया, इधर, दिस इज फोर्स। इतना सिंपल, देखो फिर से समझो कि अगर मैं तुमसे पूछा कि किसी भी कंडक्टर में फोर्स किधर लगेगा, तो सिंपल सी बात है, पहले करंट की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को रखो, राइट हैंड के फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को, राइट हैंड को रखा, मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ किया, थंब किधर, ऊपर, थंब किधर, ऊपर, वही है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वही है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, तो बारहवीं में पढ़ेंगे, फोर्स लगेगा, बस इतनी बात है, ठीक है, वो फोर्स लगेगा। तो सर 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 आप वही तो नहीं कहने जा रहे हो, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है सर, चलिए चेक कराइए फोर्स लगता है, तो देखना बन गया मोटर, ये देख, टिंक चिक बनाने के बाद क्या होगा, ये देखो एक रोटर रख लिया जो घूम पाया, जो घूम पाया, ठीक है। अब क्या किया कि इसमें मैंने ऐसे ऐसे करके दो स्लिप रिंग्स लगाई, सर स्लिप रिंग्स क्यों लगाई बताता हूं उसके बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना, मोटर जनरेटर अगर पढ़ के नहीं गए तो तुम गधे हो, मान लेना। ये देखो स्लिप रिंग्स लगाया, आएगा दोनों में से एक तो आएगा भाई, स्लिप रिंग क्यों लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लिप रिंग्स। देखो उसके रीजन क्या है, मान लो एक बैटरी ने करंट फ्लो कराया, जब करंट इधर से आएगा तो क्या होगा, इसमें फ्लो होगा, और इसने क्या बनाई है, इसने क्या बनाई है, इसने क्या बनाई है रे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड, और अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो फिर फोर्स लगता है, जो फोर्स लगेगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो माची लगेगा, नहीं नहीं लगेगा, बोलो यार, तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, और यही है मोटर, मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज अ बेसिक डायग्राम ऑफ मोटर कॉन्सेप्ट, यही है दोस्त, डायग्राम्स मिस मत करना, ये वाले पार्ट्स को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट या स्टेटर, इसको बोलते हैं रोटर, या एक नाम से और बुलाते हैं, बड़ा फेमस नाम है आर्मेचर, ये है तुम्हारी स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स क्यों लगाई जाती है कि जब ये घूमेगा तो अगर वायर को हम डायरेक्टली बांध देंगे और घूमा तो वायर उलझ नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा ये पार्ट घूम रहा है, हमने वायर को बस ऊपर एक रिंग के थ्रू सपोर्ट कर दिया, वायर वायर घूमता रहा, ये इसके ऊपर स्लिप करती रहेगी, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं स्लिप रिंग्स। फिर कम समटाइम्स क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पे कुछ कार्बन ब्रशेस भी देखोगे, तुम लोग लगा रहे थे कार्बन ब्रशेस, नहीं लगाए थे कि जले ना वायर, वायर के अंदर यहाँ पे जंक्शन पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो जले ना, इसलिए कार्बन ब्रशेस भी यूज कर ले। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। अब फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाया और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया, ठीक है। तो वो होता क्या है कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, ट्रांसमिशन ना, मान लो ये लूप है, क्या है ये लूप, और ये है मैग्नेट, मैग्नेट बोले ये लूप थोड़ा फ्लक्स पास करा ले, ए मैग्नेट ठीक है, तू मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, करा ले ले, अलाउड, इससे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। लेकिन लूप ने बोला कि सुन भाई, लूप ने बोला सुन भाई, फ्लक्स तू दोस्त है बचपन का, इसीलिए फ्लक्स पास कराने दे रहा हूं, बट चेंज मत करियो, मैंने कहा नहीं लूप टेंशन मत ले यार, तू चेंज नहीं करियो। थोड़ी देर बाद ये मैग्नेट धीरे धीरे लूप के पास आने लगा, लूप के पास आने लगा, लूप ने बोला ये मना किया था ना छोरे, तुझको पास नहीं आने का,
फ्लक्स चेंज नहीं करने का, फ्लक्स चेंज ना करना, फ्लक्स जैसे ही इसका चेंज होने लगा इसने अपने अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस किया एंड दिस ईएमएफ इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस ईएमएफ इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ और यही फैराडेज ने बताया। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है गाइस, जब भी किसी लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है तो उसके अक्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड। वो ईएमएफ हमेशा इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे, समझ में आया, वो ईएमएफ हमेशा इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज को अपोज करे। दिस इज कॉल्ड एज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी एक बहुत बड़ी डिवाइस बेस्ड है एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मोटर का होता है, बट खेल उल्टा होता है। जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल सेम वैसे ही बना, सब कुछ सेम वही आर्मेचर, ठीक है, बट अब यहां से फिर से हमको करंट लेनी है। यहां पे मैंने मान लो चेक करने के लिए बल्ब लगा लिया, देखते हैं बल्ब जलता है कि नहीं। इस बार मैं क्या करूंगा, मैंने फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराई और यहां पे मैंने क्या किया, अपने मन से घूमने वाला एक रोटर लगा दिया या मोटर लगा दिया जो इसको घुमा ले, या हमने साइकिल के पहिए की तरह ऐसे ऐसे घुमाना शुरू। जब मैंने घुमाना शुरू किया तो ये देखा गया कि जब ये घूमने लगा तो इस लूप के अक्रॉस जो फ्लक्स था वो चेंज हुआ, फ्लक्स कटा। जब फ्लक्स चेंज हुआ या कटा तो इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हुआ। जब करंट प्रोड्यूस हुआ तो ये बल्ब जल गया, पंखा होगा चल जाएगा, बल्ब होगा जल जाएगा। तो गाइस यही है कॉन्सेप्ट जनरेटर का। प्यारे बच्चों एक छोटा सा इनिशिएटिव सेट का था कि आपको एक क्विक टाइम रिवीजन दिया जाए, एक छोटा सा अपने कंफर्टेबल जोन से निकल के आपके लिए थोड़ी सी हेल्प चीजें की जाए। सेट कॉन्टिन्यूसली आपके लिए काम करता है गाइस, 24/7 काम करता है आपकी बेस्ट एकेडमिक्स के लिए। प्यारे बच्चों अब क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद आपका एक बहुत महत्वपूर्ण समय आने वाला है जो कि रेस है आपके इंजीनियरिंग मेडिकल या आपके ड्रीम कॉलेज की रेस। उससे बिल्कुल मत कॉम्प्रोमाइज करना। एज सून एज आपका बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है 4-5 दिन का ब्रेक लेना, फ्रेश होना, मैक्सिमम 10 दिन का ब्रेक ले लेना और उसके बाद अपने ड्रीम कॉलेज की रेस पे लग जाना। शेड आपको बहुत खुशी से मैं बताना चाहता हूँ कि शेड के सिलेक्शन रेशियो के सामने माइकुट चैलेंज की कोई भी नहीं कम्पीट कर सकता। हमारे 10 बच्चों में 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वी हैव मोर देन 50% सिलेक्शन रेशियो। अगर मैं बात करूँ तो 18 बच्चे मैथ्स में से जिसमें 5 बच्चों ने इस बार हमारे 90% के ऊपर जेई मेन में लाया। आदित्य सानी विल बी इज द टॉपर ऑफ जेई डिवीजन, ही गॉट 98.956 इन क्लास 12th ओनली। अभी उसने जनवरी अटेम्प्ट पहले अटेम्प्ट में इतना परसेंटेज लाया है और नीट में भी हमारे ट्रमेंडस रिजल्ट्स आने हैं, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। तो प्यारे बच्चों आप जब अगर आप 10th में हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला कि आप हाइब्रिड बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप स्कूलिंग कोचिंग सब कर सकते हो, सुबह स्कूलिंग शाम को कोचिंग, मिक्स एक कॉम्पिटिशन का अच्छा माहौल, एक अच्छा इकोसिस्टम। और अगर आप हाइब्रिड नहीं ज्वाइन करते हो तो आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, बट अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे देन हाइब्रिड बैच इज वेरी बेनिफिशियल। गूगल पे सर्च कर सकते हो, इंडिया में नॉन अटेंडिंग बैचेस बहुत ज्यादा ट्रेंड पे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्कूल कोचिंग की भागदौड़ में तुम पिस जाते हो और अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। तो गाइज एडमिशन आर ओपन, आप हेड में आके अपने फॉर्म्स को लेके अपनी सीट लॉक करा सकते हो और अपनी पढ़ाई को नंबर 1 बना सकते हो। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। Keep rocking, keep studying, keep earning, keep learning and become the best. Thank you. Jai Hind.